तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, कि हाउ विल बी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस तरह से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या होता है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कभी कभी गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल। या बच्चों हम इसे वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? वोल्टेक सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। बच्चों होता क्या है, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका इलेक्ट्रोकेमिकल है तो बाद वाली एनर्जी को पहले वाली एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। किस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करता है? रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो सकता है? हमारा आंसर ये हो सकता है, दैट सेल विच कन्वर्ट्स, दैट सेल विच कन्वर्ट्स, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। दैट सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटू इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज कॉल्ड उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि दैट सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो बच्चों आपसे कोई पूछ सकता है कि विच रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर, रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रिक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द वे, फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, या गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, या क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लीजिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, कार्य क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, दोनों ही बता देता हूं मैं आपको ताकि आपके जो न्यूमेरिकल से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन क्या है। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मालूम है तिवारी सर, गैल्वेनिक सेल। अब देखो बच्चों अगर हम इसको देखें तो बहुत ही सिंपल वे में आप समझिएगा, मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये दो आधे आधे सेल से बनता है। ये देखिए मैं डायग्राम बता रहा हूँ, पहला आधा सेल ये हो गया और दूसरा अपना आधा सेल ये हो गया। आधे सेल को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ सेल, क्या बोलते हैं? हाफ सेल। पहले वाले हाफ सेल में हम क्या करते हैं बच्चों? हम जिंक का एक रॉड डाल देते हैं, जिंक की रॉड डाल देते हैं और यहाँ सॉल्यूशन भर देते हैं, ठीक है। चलिए ये जो रॉड है बच्चों, ये रॉड होती है जिंक रॉड, ये जिंक की रॉड होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। कोई भी मेटल की रॉड जो है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चों उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। बच्चों ये कंपलसरी है कि जो मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। अगर हम कॉपर लेते तो हम यहाँ कॉपर सल्फेट लेते। इसी तरह से बच्चों ये आपका अगला हो गया सेल, अगले सेल में भी हम रॉड डालते हैं लेकिन अगले सेल में जो हम रॉड डालते हैं ये कॉपर की रॉड डालते हैं। कौन सी रॉड डालते हैं बच्चों? कॉपर की रॉड डालते हैं। रॉड हमेशा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड। इस पर चार्ज हो तो यहाँ भी हम सॉल्यूशन भरते हैं। यहाँ जो हम बच्चों सॉल्यूशन भरते हैं वो भरते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जिस मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ऐसे सेल को बच्चों हम हाफ सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं हाफ सेल एक, और ये भी आपका हो गया हाफ सेल दो।
कितने हाफ सेल हो गए भाई तिवारी सर? दो हाफ सेल हो गए। इन दोनों हाफ सेलों को हम क्या करते हैं बच्चों, एक डिवाइस से जोड़ते हैं। ये डिवाइस क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। इस डिवाइस को अपन बोलते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज, है ना। ये जो डिवाइस है जिससे हमने इन दोनों हाफ सेलों को आपस में जोड़ा है बच्चों, इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में दो चीज़ें भरी होती हैं बच्चों, एक जिलेटिन होता है, जिलेटिन जमाने वाली चीज़, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। जिलेटिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरी होती हैं। क्या इसका फंक्शन है, क्यों हम लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। चलिए बच्चों, ये जो दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो आपने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन या मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, इसलिए इस हाफ सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत प्यारी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इसलिए इस हाफ सेल को हम बोलेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिडक्शन हाफ सेल। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। बच्चों ये जो दोनों हाफ सेल हैं हमारे, ये दोनों हाफ सेल के बीच में हम एक कॉपर का वायर लगाते हैं, और कॉपर का वायर लगा के हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वी मतलब वोल्ट मीटर लिख लीजिएगा। ये कॉपर का तार है, ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉपर वायर, क्लियर। जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये वोल्ट मीटर के सुई का डिफ्लेक्शन इधर है, ये करंट बताता है, वोल्ट मीटर करंट बताता है। इसका मतलब सेल स्टार्ट फंक्शनिंग, सेल ने काम करना चालू कर दिया। वोल्ट मीटर की दिशा इस तरफ है, इस तरफ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये करंट जो है वो कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये करंट बताता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर करंट सुई करंट की बात कर रही है और हमारा करंट कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ आ रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से -2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तभी तो क्या हो रहा है कि जो हमारे करंट का डायरेक्शन है, ये देखिए ऊपर जो मैंने बताया है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, है ना। करंट सुई बता रही है, वोल्ट मीटर की नीडल इधर बता रही है, इट मीन्स करंट जो है तुम्हारा कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर ये बात हो रही है, पहला तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ये रिडक्शन हाफ सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर वन, इस वाले इलेक्ट्रोड पर जिसे हम जिंक इलेक्ट्रोड, है ना, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड बच्चों? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस इलेक्ट्रोड को हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों? हम इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, है ना। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ रहे हैं इसलिए होता है पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को बच्चों हम एनोड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम एनोड बोलेंगे। रिडक्शन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैथोड, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कैथोड बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, लिसन टू मी, है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बच्चों वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर जो रिडक्शन होती है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर वो कौन सी होगी, तो ऑक्सीडेशन। हो क्या रहा है? ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जो सॉलिड है, वो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो Zn2+ ion बना रहा है ना, एक्वस। अब दो इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर रहा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे? माइनस टू इलेक्ट्रॉन। उस माइनस टू इलेक्ट्रॉन को अगर आप इस तरफ लिखो तो आप +2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर बच्चों जो रिएक्शन हो रही है आपकी, वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ कॉपर पहले से ही आयन के फॉर्म में होगा, तो हो जाएगा Cu2+, ये हो गया एक्वस, ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और ये हो गया Cu, तो ये हो गया आपका सॉलिड। तो ये क्लियर है कि पहले वाले पर जो रिएक्शन होती है वो हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
और दूसरे वाले पे जो रिएक्शन हो रही है बच्चों वो कौन सी हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शॉर्ट में लिखनी है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिखनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तरीका क्या है, ZN सॉलिड ऑब्लिक ZN2 प्लस। भाई किसी ने आपसे एक्वस, किसी ने आपसे कहा कि तिवारी सर यहाँ जिंक है, जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो रहा है, तो आप कैसे शो करोगे, तो हम शो करेंगे जिंक सॉलिड ऑब्लिक ZN2 प्लस। इस पूरी रिएक्शन को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस कैथोड पर Cu सॉलिड बदल रहा है, तो अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं Cu2 प्लस एक्वस, एक्वस ऑब्लिक ये Cu सॉलिड। ठीक, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक बार फिर से मेरे भाई रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। चूंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये बच्चों ये पूरा का पूरा आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए मैं बताऊँ आपको, कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि भाई आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, तो हम लिखेंगे ZN ऑब्लिक ZN2 प्लस। देखिए वही हमने लिखा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ZN तुम्हारा सॉलिड होगा, ZN2 प्लस तुम्हारा एक्वस होगा, ये हो गया। बीच में ये सॉल्ट ब्रिज आपका लगा है, सॉल्ट ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, दो तिरछे एरो लगाते हैं, दो तिरछे एरो लगाते हैं। फिर यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो Cu2 प्लस Cu बदल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे Cu2 प्लस, ये हो गया एक्वस, और ऑब्लिक ये हो गया Cu सॉलिड। तो बच्चों अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ढंग से दिखाई न दे, फिर से समझ लीजिए। देखिए वो जिंक था तो हमने लिखा ZN ऑब्लिक ZN2 प्लस, ये लिख दिया है ना, ये सॉलिड था, ये आपका एक्वस था, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ये लगा है सॉल्ट ब्रिज, तो हमने दो लाइन खींच दी। यहाँ पे Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे Cu2 प्लस ऑब्लिक, ये एक्वस है, एक्वस, और ये हो जाएगा Cu, ये हो जाएगा सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो आप लिख दोगे कि तिवारी सर ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। फिर कोई बोलेगा कि भाई जो आपने राइट हैंड साइड लिया ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है। फिर कोई आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है ना, ये किसका फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कोई बोले भाई करंट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो करंट आप बोलोगे कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज, दोनों रिएक्शनें हो रही हैं रिडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तभी तो मैंने आपको बोला था कि दैट सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। पॉज करिए और पॉज करके ठंडे दिमाग से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको यहीं के यहीं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। ये जो हमने इन दोनों के बीच में लगाया है ये इस तरह से, ये होता क्या है, है ना, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या होता है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है ना, तो ये तो करंट है, करंट यहाँ से आ रहा है ना इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, और इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये हमारे पेपर में पूछा गया है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। बच्चों यदि आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखें, अगर कोई पूछे भाई ये कौन सा सेल है, तो तिवारी सर आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो सेल है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, या हम इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं।
तो इस गैल्वेनिक सेल में या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इन्वर्टेड यू शेप की एक डिवाइस होती है जो उल्टे यू आकार की होती है। देखो आपको बना है ना, इन्वर्टेड यू शेप्ड है ना, ये कांच की बनी होती है बच्चों। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपके जिलेटिन होती है, एक ऐसा सब्सटेंस जो इसके अंदर भरी हुई चीज़ों को जमा देता है, और एगर एगर होता है, एगर एगर भी एक केमिकल होता है, एंड फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स आर फिल्ड इन इट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरी होती है। अब आप पूछोगे तिवारी सर ये जेलेटिन क्यों भरा होता है, इसके भरे होने के कारण ये अंदर वाली चीज़ बच्चों सेमी सॉलिड हो जाती है, क्योंकि अगर अपन उल्टा करके रख रहे हैं और अगर ये जमेगी नहीं अंदर तो ये क्या होगी, ये दोनों यहाँ से गिर जाएगी। ठीक, तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, है ना, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ऊपर लिख रहा हूँ आंसर, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, उल्टा, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा यू, जब इन्वर्टेड लिखेंगे तो यू सीधा लिखेंगे, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। देखो यू का उल्टा यू आकार का है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, उल्टे यू आकार का बच्चों ये क्या होता है बोलो, ग्लास ट्यूब होता है। काहे से भरा होता है बच्चों, देखो ये भरा होता है फिल्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट। अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट, सच एज KCl, KNO3, NaCl, बहुत सारी एट्सेट्रा, और भी कई सारी हो सकती हैं, एलॉन्ग विथ, किसके साथ, एलॉन्ग विथ दो केमिकल और होते हैं बच्चों, मैं इसको अलग से करके लिख रहा हूँ, एलॉन्ग विथ जिलेटिन, उस केमिकल का नाम होता है जिलेटिन और एगर एगर, बड़ा मज़ेदार नाम है, उसका नाम होता है बच्चों जिलेटिन या एगर एगर। अब आप ये बोलोगे कि तिवारी सर उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ जिलेटिन या एगर एगर क्यों मिला देते हैं, इसलिए मिला देते हैं टू मेक देम सेमी सॉलिड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टू मेक देम सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, ताकि भाई अगर वो सेमी सॉलिड नहीं होगा तो इसमें गिर जाएगा। तो ऐसी डिवाइस को बच्चों हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। अब कभी कभी हमारे पेपर में ये पूछा आता है, ये तो क्लियर हो गया सर कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, तो हमारे पेपर में पूछा आता है बच्चों कि फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन देखिए, मैं पहला फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, पहला फंक्शन क्या है, देखो बेटा इसके पास इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो टूटे पानी में, जैसे KCl है विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव पॉजिटिव आयन एज वेल एज निगेटिव आयन, जो पानी में टूटकर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों देते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये क्या करता है, पहला कि ये इन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, अगर यहाँ निगेटिव आयन ज़्यादा हो गए तो ये पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए तो ये निगेटिव आयन दे देगा। तो बच्चों इसका पहला फंक्शन है, अगर कोई बोले कि व्हाट आर दूसरा पार्ट, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो पहला है इट मेंटेन्स, इट मतलब सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। भाई दो ही हाफ सेल हमारे पास है, तो पहला जो फंक्शन है बच्चों ये क्या करता है, ये जो दो हाफ सेल्स हैं इनमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को मेंटेन करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है बच्चों, अगर ये नहीं होगा तो सेल की सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो इट कंप्लीट द सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग द टू हाफ सेल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेक सेल। जब तक ये नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा। तो दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा बच्चों, इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट, ये सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग द टू हाफ सेल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो कोई बच्चों अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, तो फर्स्ट वन इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल, दो हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, एंड इट कंप्लीट दिस सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग द टू हाफ सेल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। हमारा बच्चों अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, what are the relations between
एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं ई एक्सटर्नल से। कहीं भी अगर ई एक्सटर्नल लिखा हो इसका मतलब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, ई सेल। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं बच्चों, एक बात आप नोट करिए कि जो ई सेल की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू होती है, ई सेल यहां लिख देता हूं, ई सेल की जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 1.1 वोल्ट। लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। इसकी तीन कंडीशन होती है बच्चों। पहली कंडीशन क्या होती है, देखिए मैं तीनों कंडीशन आपके पास लिखता हूं यहां पे, तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, पहली कंडीशंस, ये तीन कंडीशंस हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंडीशंस, तीन कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है कंडीशन नंबर वन। पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, हमारी जो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, व्हेन ई एक्सटर्नल मतलब वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट से कम हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज ई एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम हो रही है। भाई मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा गया कि व्हाट विल हैपन, कंडीशन नंबर वन, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन 1.1 वोल्ट, तो आप बोलोगे तिवारी सर दैट इज इट मींस कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। उस कंडीशन में क्या होगा, जो मैंने आपको सेल बताया था जिंक का और कॉपर का, उस सेल में क्या, उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप लोग कहोगे कि तिवारी सर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये उसी वाले सेल की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया। इट मींस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या होगा, जिंक एनोड पे डिजोल्व होगा और कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक एनोड पे डिजोल्व होगा एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। तो बच्चों ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई है ना, ये आप लोगों की पहली कंडीशन हो गई कि क्या होगा, जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी विल बी लेस देन 1.1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ तिवारी सर कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अपोजिट है इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस दैट इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। इट मींस दैट जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। तो ये बच्चों हमारी पहली कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर वन। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए दूसरी कंडीशन लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कंडीशन नंबर वन की जगह हम लिखते हैं कंडीशन नंबर टू। क्या है भाई दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है बच्चों, हमने ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है ना, हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब सब अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल ई सेल। अब उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहां पे हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा, और सारा का सारा जो सिस्टम है वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, इट मींस कॉपर डिजॉल्व्स एट एनोड
एंड जिंक डिपॉजिट्स एज कैथोड, कितना इजी बन गया। देखो तिवारी सर, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो सारी की सारी चीजें बच्चों हमारी अपोजिट हो जाएंगी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, नोट कर लीजिए, पॉज करिए और पॉज करके बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, कितनी सिंपल सी चीज है। अगली कंडीशन है बच्चों हमारी कंडीशन नंबर थर्ड, हमारी जो अगली कंडीशन है बच्चों ये थर्ड कंडीशन है ना, कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, क्योंकि ये जो है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल वैल्यू विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इट मीन्स यहां पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सेल, सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द सेल। अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, नो करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट, या नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द सर्किट, नो करंट फ्लोज इन द सेल, सेल के अंदर करंट ही नहीं होगा, इट मीन्स नो केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट था बच्चों कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। बताइए, तीन कंडीशन है, पहली कंडीशन लेस देन तो सब कुछ होगा, दूसरी कंडीशन मोर देन तो अपोजिट हो जाएगा, और तीसरी कंडीशन इक्वल टू द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, अगर सेल का इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल होगा तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यानी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, है ना। पॉज करिए और बच्चों पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।